सेवक राम नाम के सेवक के हाथों आपको सारी जनता का नमस्कार। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। भाइयों और बहनों, जिंदाबाद हम नहीं, जिंदाबाद रखना है हमें हमारी जनता को, इस देश में जीने वाले सच्चे कानून को, सुहागनों के सुहाग को, मां के बच्चों को, बहनों की इज्जत को, जिंदा रखना है हमें जनता की खुशियों को। हमें सिर्फ कहना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप लोग हमें वोट दीजिए और बदले में हम आपके नलों में पानी की जगह दूध बहा देंगे, तो वो नेता झूठा है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि नलों में सिर्फ पानी ही बह सकता है। अगर हम ये कहें कि हम आप लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस देश की गरीबी उसी वक्त मिट सकती है जब इस देश का हर अमीर अपने घर में गरीब की बेटी को ब्याह कर लाएगा, अपनी बहू और बेटी की जगह देगा। ये गरीबी तभी मिट सकती है। गरीबी मिटाने के लिए हर अमीर को आगे बढ़कर गरीबों को गले से लगाना होगा। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी नहीं, जनता जिंदाबाद। देवी वाह, क्या जबरदस्त तकरीर की है आपने। आपने तो अपने शब्दों से यूं समझिए कि सारी वोटें अपने डब्बे में डलवा ली है। बसा सेवक राम, जनता भोली भाली होती है, गरीबों के दिलों से खेलना बहुत आसान होता है। मीठे मीठे चंद शब्दों के कुछ कतरे शहद की तरह टपका दो, गरीब तुम्हें जिंदगी भर सलाम करेंगे। आज जिस तरह ये कांच की दीवार नेता और जनता के दरमियान है, कल इसी तरह जब हम विधानसभा में होंगे वहाँ ईंटों की दीवार होगी। आज भी ये क्या कह रहे सुनाई नहीं दे रहा, कल भी सुनाई नहीं देगा। यही राजनीति है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। आहा, वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं। पता नहीं तेरा ये ख्वाब पूरा भी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे सलाम के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अब तो नहीं रह गया कोई मेरा मकाम, सुबह से शाम तक है मुझको घर का काम, और इसी तरह हो जाएगी मेरी जिंदगी तमाम। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविताएं सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं वरना नहीं मुझे है जी। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना, उसके मैचिंग के जूते भी निकाल के रखना समझे, वरना उन्हीं जूतों से मार मार कर तुम्हारी कविता भुला दूंगी। मैं तो इस घर में पति बनकर आया था, मैं तो पत्नी बनकर रह गया। जो खिल सके ना वो भूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अरे ओ सड़ियल कविराज, लगता है कविताएं गागा कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ धर्म पत्नी? ये देखो, ये कुत्ती के नहाने का साबुन तुमने मेरे नहाने के लिए रखा है। ओ शट अप, जाओ और जाकर दूसरा साबुन ले आओ। सठिया क्या, अरे साबुन बनाने वालों को आजकल इंसानों और कुत्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझको अमीरों के बाजार में। बड़ी साली को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, छोटा लड़कियों के पीछे है और बड़ा बिजनेस में बिल्डिंगों के पीछे है। मिस्टर साठे, बिजनेस में वही लोग ऊंचाई पर होते हैं जिनकी सोच में ऊंचाई होती है। मगर सर, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
मैनेजर साहब, आप मिट्टी की जमीन पर हमेशा नोटों की इमारत देखना चाहते हैं, मगर कुछ सौदे जज्बात के भी होते हैं, जहां फायदे और नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती। सर, मैं समझा नहीं। ये उस बिल्डिंग की तस्वीर है जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, जो उनके जीते जी तो पूरी न हो सकी, जिसे अब मैं पूरी करूंगा। सर, इस कंपनी के सारे प्लान, हिसाब किताब के सारे पेपर्स दुर्गा जी के टेबल से पास होकर जाते और उनकी मर्जी के खिलाफ। वैसे भी माताजी और आपके बीच छोटी मोटी गलत फहमियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो, यस, कौन मिस्टर साठे? गुड मॉर्निंग दुर्गा जी। गुड मॉर्निंग। रवि से कहना कि आज शाम को 6 बजे क्लार्सन एंड टोबरो में हमारी खास मीटिंग है, हम वहां नहीं जा पाएंगे। उस मीटिंग में वो चला जाए, वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा और हमें नुकसान पसंद नहीं। ओके रवि साहब, आज शाम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? माँ जी ने किसी अर्जेंट मीटिंग में जाने का हुक्म दिया है। यस सर। मिस्टर साठे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वादे और जबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। आज शाम 6 बजे मैं वहीं जाऊंगा जहां मैंने जाने का वादा किया है। Thank you.
कम इन। नमस्ते जी। नमस्ते। आप? मेरा नाम सुंदर साठे है, आपके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रवि वर्मा का मैनेजर हूँ मैं। साहब को एक जरूरी मीटिंग से बाहर जाना था। अच्छा। तो उन्होंने आपकी संस्था के नाम ये 1.5 लाख का डोनेशन चेक और आपके लिए गुलदस्ता भेजा है। थैंक यू। ये रवि साहब का कार्ड है, उन्होंने कहा है आपको कभी भी कुछ भी काम हो बिला झिझक फोन कर सकती हैं। हेलो सर, वो लड़की आ गई है। कौन? उषा। उसे जल्दी से अंदर भेज दो। ओके सर। देखिए आप अंदर चले जाइए। कम इन। मैंने अपना कार्ड भेजा था, लगता है इसीलिए यहां पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहां यहां आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने पता दिया था तो मुश्किल कैसी। बैठिए। थैंक्स। मैं फिक्रमंद था कि आपको मेरा एड्रेस मिला भी है या नहीं। मिलता कैसे नहीं, आपने अखबार में टाइपिस्ट के लिए इतना बड़ा इश्तेहार जो दिया था। ओ, मतलब आप इश्तेहार देख कर रही हैं? जी। नौकरी के लिए? जी हाँ, ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस। अरे रे, इसकी क्या जरूरत है, समझिए आपको नौकरी मिल गई, बल्कि आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं। थैंक्स। यस सर। पांडू, लगता है मामला गड़बड़ है, जरा देख तो सही। कल उसके प्रोग्राम में गए, आज ही इंटरव्यू और आज ही नौकरी। क्या हो रहा है अंदर? उषा, लेकिन हमारी शादी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं,
उषा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं आज ही हमारी शादी के बारे में मां से बात करूंगा। मतलब आपको मेरा और उषा का रिश्ता पसंद नहीं है? रवि बेटे, हमारी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट हमारे घर की बहुरानी बने, हमारे सामने झुकने वाला सर हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करे, नहीं रवि बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलती तुम्हारी माँ के साथ शादी करके तुम्हारे पिता ने भी की थी। रवि बेटे, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हारे अरमानों का गला घोंटना चाहते हैं। दरअसल हम अपने पति की इज्जत का गला घुटते हुए नहीं देख सकते। हमारी बात को गौर से सुनो। जिन्हें आसमान की तरफ देखकर चलने की आदत होती है, वो जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरफ नहीं देखते। देखो बेटे, उषा को दुर्गानिवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ जानता हूँ, आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो, कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी तीन रातों से, तीन रातें और चार दिन और तीन और चार आठ, पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9-2-11 हो गया है। तू शायद मुझे नहीं जानता, मेरा नाम किरण है, किरण वर्मा। मैं जिस चीज को पसंद करता हूं ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता हूं। हवलदार का हवलदारी है? लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते, ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवालात जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं? ओहो, कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ी भी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने इसके बारे में लिखी है उसे फाड़ डालो उसे। हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके की डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो 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 चलो। अरे तो मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वक्राम सच कह रहे हैं बेटा, जानते हो तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को
एक बड़ा इश्यू बनाकर ऑपोजिट पार्टी वाले हमें हरा भी सकते हैं। अरे भाई, एक बार ये इलेक्शन जीत जाए और दुर्गा देवी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाए तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है, जो जी में आए करना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या करूं। ओहो, सीधी सी बात है, जब बछड़ा बेकाबू हो जाता है ना तो उसके गले में शादी की जंजीरें डाल देनी चाहिए, उसकी शादी करवा दो वरना। मगर सेवक राम, बड़े के होते हुए अगर छोटे की शादी करवाई तो ये सौतेली माँ और भी बदनाम हो जाएगी। बड़ा तो प्यार के चक्कर में फंसा है और वो भी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली टाइपिस्ट के साथ। ये हुई ना बात, बस जीत गए हैं इलेक्शन, बन गई तुम चीफ मिनिस्टर। अरे दुर्गा भाई, इस इलेक्शन में जीतने का इससे बड़ा इशू और कोई नहीं हो सकता कि दुर्गा भाई खानदान की बहू एक मामूली टाइपिस्ट। याद है हमारी पार्टी का भी यही नारा है, इस देश से गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, गरीबों को गले लगाओ। मगर सेवक राम वो अगर मगर कुछ मत करना दुर्गा भाई, वो भोली बाली गरीब टाइपिस्ट की शादी अपने सौतेले बेटे रवि से करवा दो और इतना हंगामा कर दो कि शहर के हर अखबार में बस यही हेडलाइन हो। तू समझ लो कि हमारी इलेक्शन का यही मोहरा है। चाल चलो तो ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चले। इसीलिए दुर्गा भाई, इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम, आप क्या है बाहर आ गई पार्टी में। नमस्ते जी। चलिए चलिए, यू केम इन टू माई हाउस, दैट इज गॉड नेचर, समटाइम्स आई लुक एट यू, समटाइम्स आई फर्नीचर। लक्ष्मी जी, ये दुर्गा देवी है और ये मेरी धर्म पत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी, ये लक्ष्मी बहन है और ये इनकी बेटी संध्या और ये उषा। आई आई, पास भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ। रवि बेटे। माँ, उषा और उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। कि उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवक राम जी, भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप सब लोगों को आज यहाँ किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है, अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से बात की शुरुआत कर रही है। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाएंगे। मंगलराम अंगूठिया ले आओ।
चुना क्यों मुझको लाखों में। संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? हाँ, उन्हें गहरी चोट लगी है, लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई है। हा? मैं उनके ऑफिस आती हूँ, मैं आपको वहाँ से फोन करूंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है? दीदी उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया, मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ। आप अंदर चलिए। ठीक है। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है, और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। कि मैं तेरे खानदान की होने वाली बहू ना होती तो तेरा ऐसा अंजाम करती कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा।
डार्लिंग, क्या आज शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें अचानक क्या हो गया किरण? दुर्गा देवी, अरे ओ दुर्गा देवी कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम, क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी, ये देखो, ये भी देखो। आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है। मोहरा है, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें माँ से कितना डर लगता था, आज देख लिया ना माँ का असली रूप। सच उषा, मैंने उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि, बिल्कुल सच। मां का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए, आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे, क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं, पांव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा, अच्छा नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है, बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? ए, ए, शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है, बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो,
तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना, और हाँ वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना। ओके, ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी, याद से लाना, ये में लगे रहोगे। अरे क्या गर्मी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अरे अर्जुन मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई, कितने सालों बाद मिला तू। मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार, हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग, तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कभी बात करेंगे, ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल मेरे। नहीं 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 अंदर नहीं, और दरवाजा खोल, बैठ जा ठंडे में, बैठ मेरी जान, शाम बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा ये दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है अंदर, रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चलो ये लो जी, कबाड़ में जी। स्वामीनाथ क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ देखा, मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहागरात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली, तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है, और पूरा चोर बाजार, चोर बाजार, चोर बाजार बोला, शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी, तू समझेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेयर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं, इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना भी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी मिल जाए। सेवक नाम है मेरा, सेवक राम। अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी, मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभाल। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या है? सेवक राम, तुम्हारी सेवाओं का फल।
यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही खजाने की चाबी। खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यही बैठो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूँ। What? हाँ डॉक्टर शाह ने अभी अभी मुझे एक खुशखबरी सुनाई है। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा। ओके सर, कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए, मैं बाप बनने वाला हूँ। हेलो, ओ मिसेस खटाओ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी, ओके मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वार्थ छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वार्थ नहीं है। इस इलेक्शन के जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ, मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है, औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए। और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है, लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मिस्टर डिसूजा वहां बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए। दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है। शाम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन राजी सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी, फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है, क्या मुंह लटक गया है फोन पर लड़की की आवाज सुनकर। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा, हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया दिल्ली। बाहर से फोन उठाने का मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। चलते हैं जिसके लिए
तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ। तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कमबख्त रात नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती कमीनी। कमीनी कुत्ती अब रातें भी गुजारना चाहती है। ची मत कहो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे, भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए, नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय। आई लव यू डार्लिंग। आई स्वीट लव यू मामू। ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजार नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को, आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? माँ तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूं रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती मां कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये मां कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी, यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूं मां, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम ही बताओ कैसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूँ? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिकर मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि, सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है। बेटे देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा माँ को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौटाऊंगा। हेलो, हेलो, हाय जान, हाय, हाउ आर यू? फाइन, करवटें बदलते रहे सारी रात।
की कसम बोले आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना, छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में, एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो हेलो श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम। क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो, ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? अरे मैं क्या कर रही हूँ भाभी? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे तेरी कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाभी को वो समझाया, लेकिन कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे माँ जी, ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने स्वा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच बेशर्म, आखिर बता दी ना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। नहीं मां जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो, मैंने कोई पाप नहीं किया। पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं, मुझे बचा लो। दुर्गा जी, मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो, अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दूँ? निकल यहाँ से। माँ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं है, निकल यहाँ से। खबरदार जो तुम्हारे यहाँ कदम रखा तो निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए।
किरण, लगता है ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, दूसरा काम भी तो करना है, चल। अरे लक्ष्मी चलो, आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया। माँ, उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे। माँ कैसी हो? माँ उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ, तुम खामोश क्यों? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है मां जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार मां अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। मां ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सबके सब जलकर खत्म हो गए। सिर्फ ये खंडर रह गया है, पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमिद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए मगर दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा।
ये सब अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हमीद भाई, आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की, अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन, तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूं, शायद मेरी ये मौत ही उस घर के लिए नई जिंदगी हो। मां, क्या हुआ मां, क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी, एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। भासा, इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण, जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई हैं और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। किरण चिल्ला मत भैया, ये बदनामी के साए में पली जरूर है लेकिन बदनाम नहीं हुई, इसने अपने अदाओं को बेचा है जिसम नहीं बेचा इसने। सुन रही हो मां, है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो मां? रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा, बंद करो अपनी कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, अपने औकात में लेके बात क्या करो समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है, तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा और 100 बार कहूंगा। तुम में और कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम हिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं, अरे मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोगों मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। राधा, अगर तुमको मेरी धर्म पत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। राधा, तुम इसके साथ जाओगी कहां? जन्म में तुम्हारा बड़ा घर और घटिया ख्याल तुम्हें ही मुबारक हो। जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो वहां रहकर क्या फायदा। चलो श्याम चलो। अरे दुर्गा निवास छोड़ दिया तो क्या हो गया यार, तेरे लिए ये हर्षद टोपी ऐसे एक नहीं 10 घर खरीद सकता है। तेरे को ऐसे समझाऊं, घूमी हो गई, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे, देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूं, मैं अपने दोस्त की खुशियां वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, कुछ समझी नहीं? अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू। जानू जानू मैं जानू बोल रही हूँ,
तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन, तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदल कर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज शहर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार? चोर बाजार बोलो। हाँ, शेर बाजार। शेर बाजार। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाते हैं, और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है। घुमाता पहिया। तो ये मशीन का पहिया रोक दो, अब तो मोहल्ले वालों के कपड़े सीना बंद कर दो। पहले तो तुम घर चलाती थी, मगर अब क्यों? मैं ये फ्रॉक मोहल्ले वालों के लिए नहीं सी रही हूँ भाई साहब, अपनी लाडली बेटी मधु के लिए सी रही हूँ। इस मशीन के पहिये के साथ साथ जिंदगी का पहिया ऐसे घुमा, वक्त कब गुजर गया पता भी नहीं चला। बहन, अगर तुम ना होती ना जाने मेरा क्या होता, शायद किसी सड़क पर भीख मांग रहा होता। आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? जब से मैं अपाहिज हो गया तब से तुम्हें तो मुझे संभाला है। भाई साहब, आपके साथ जो अनहोनी हुई है उसका कारण मैं ही तो हूँ। आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है, आपने एक साथ दो दो जाने बचाई हैं, एक मेरी और एक मेरी बेटी की। बचाना और मारना तो अल्लाह के हाथ में है मेरी बहन, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। अरे, हमारी बेटियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? पता नहीं, जब पूछो कहती है कि क्लास में जा रही हूँ। पता नहीं दिन रात कौन से क्लास में जाती है। संसारी रे, हसी में उठियोगे? अरे, अभी अभी तो तूने खाना खाया फिर चल दी। अब कौन सी क्लास में जा रही है तू? नाइट क्लास में माँ। नाइट क्लास? हाँ, अगर नाइट क्लास नहीं जाऊंगा तो कॉलेज में फेल हो जाऊंगा। कॉलेज में फेल हो जाऊंगा तो अपन को नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिली तो अपना रोटी पानी का चक्कर कैसे चलेगा? ये अपन तपुन आऊंगा जाऊंगा क्या लगा रखा है? ये कैसी जबान में बात कर रही है तू? अरे माँ, आजकल शहर की हवा बहुत खराब हो गई है। छोकरी बनकर बात करो तो छोकरा लोग आंग पर आते हैं, और ये अपुन तप्पू नायला गैला खल्लास कर डालेगा बाप। बस इतना बोलो तो छोकरा लोग भी छोकरी बन जाता है। इसलिए ये भाषा एकदम करेक्ट है माँ, हर टपोरी समझता है और दो फुट दूर रहता है। मगर ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी माँ, अपुन चलता है।
मधु, अपनी माँ से छुप छुप कर कब तक नाइट क्लास के नाम पर रिक्शा चलाती रहोगी तुम? हाँ, जब तक मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेती। मगर हमीद भाई, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने माँ को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगा, लेकिन सुन, जब तक तो घर नहीं लौटती ना, दिल में एक डर सा लगा रहता है। डर किस बात का? अभी तो अपन कराटे चैंपियन बन गया है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अपन के सामने आग भी उठा कर देखे। और ये ड्रेस पहनने के बाद अपन मधु नहीं, मलिया शेट्टी है, मलिया शेट्टी। अरे ये क्या? बंबई में सिर्फ 3 पूरी चलता है, भेलपुरी, पानीपुरी और ये रामपुरी। अरे क्या बात है आंटी, अपुन तो आज हॉर्न बजा बजा के थक गया, मगर रीटा के जगह तुम बाहर आया। बेटा, रीटा की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे आंटी, अपुन बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बेटी को रात रात भर क्लब में नचवाओगी तो बुखार नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ, दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी को दूसरों के सामने नचवाना नहीं चाहती बेटा, ये हमारी मजबूरी है। रीटा के डैडी के एक्सीडेंट में मौत के बाद यही सारे घर को संभाले है, 2 छोटे भाई बहन भी है। तुम्हारी बात अपुन के खोपड़ी में एकदम उतर गई आंटी, औरत की बात औरत ही समझ सकती है, और अपुन मर्द नहीं, औरत है आंटी, औरत। मतलब तुम लड़की हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, जिस घर में मर्द नहीं होता है उस घर की औरत की हालत बहुत खराब होती है। अब उनकी भी कहानी तुम्हारी जैसी है, लेकिन यू डोंट वरी, रीटा रेस्ट भी करेगी और उसकी नौकरी भी नहीं जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि रीटा की जगह अपुन नाचेगा और साथ में सारे क्लब को भी नचवाएगा। Thank you.
कितना हुआ? 12। चल बे चुपने, माल निकाल जितना कमाया हुआ, वरना तेरे 12 बजा दूंगा, समझे? चल बे, बाहर निकल, चल चले, चल बाहर निकल, चल चल, सब अपने ही आदमी है। चाकू तो अपुन भी रखता है, मगर अपनी हिफाजत के लिए। भागो यहां से, चल। ऑरेंजेस, दिस लाइन गो। This line goes to the ho- This line goes to the Sir. टमाटर बेचने वाला पकड़ा गया। कौन? मधु, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। क्या यही सब करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जाने दो मधु, ये बहुत खतरनाक लड़का है। ऐसे कई खतरनाक लड़कों को मैंने ठीक किया है सर, ये किस खेत की मूली है? Thank you.
राजू भाग के जा, डॉक्टर को बुला। ओ भाई लोग, आप लोग अपने अपने घर जाइए, खतरे की कोई बात नहीं है। क्या हुआ अब्दुल? हमी चाचा बेहोश हो गए। क्या क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटी, चौराहे पर आते आते हमीद भाई गिर पड़े और बेहोश हो गए। हमीद भाई, माँ इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक, हमीद भाई को सीरियस हार्ट अटैक हुआ है और उनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? देखिए वक्त बहुत कम है, आप लोग पैसों का इंतजाम कीजिए। कितने पैसे चाहिए डॉक्टर साहब? कम से कम 50,000 रुपए तो लगेंगे ही। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कुछ भी करके पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। आखिर तुम रिक्शा क्यों बेचना चाहती हो? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए रिक्शा बेचना चाहती हूँ। पैसों के लिए रिक्शा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मेरी थोड़ी सी जरूरत को तुम पूरी कर दो और तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हारी जरूरत? टेढ़ी मेढ़ी बात तो अपन को बिल्कुल आती नहीं, सीधी सी बात है। आज की रात को तुम मेरे लिए रंगीन बना दो, माल तुम्हें मिल जाएगा। फिर भी 10,000 कम पड़ रहे हैं। एक मिनट। तो इसे कनुभाई की दुकान पर बेचकर पैसे लेकर अस्पताल में आ जाना, मैं वहीं जाती हूँ। मगर बेटी, ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें ये कंगन बेचने पड़ गए? कन्नू भाई, हमारी जिंदगी संवारने के लिए जिस आदमी ने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, उस हमीद भाई की जिंदगी से बढ़कर इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है जो उनके ऑपरेशन में कम पड़ रहे हैं। अच्छा, हेलो मधु, वहाँ है? कौन? उषा बहन? हाँ हाँ मधु है। मधु, तुम्हारी माँ जी का फोन। हेलो बेटी, हमीद भाई, हमीद भाई हमें छोड़कर चल बसे। क्या? बस बेटी बस। हेलो
डिब्बे पर ठोकर मारने से तकदीर पर लगे ठोकर के निशान मिट नहीं सकते मधु। आपकी तारीफ। एसके, इस नाचीज को एसके कहते हैं। तुम्हारी माँ के दिलो दिमाग पर लिखी हुई दर्द भरी दास्तान की एक बंद किताब हूं मैं। बेटी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी मुलाकात उन तमाम चेहरों से करवाऊंगा जो तुम्हारी और तुम्हारी मां के गुनहगार हैं। हाँ, आओ मेरे साथ। ये लो मेरा कार्ड। जब भी उस खानदान को बर्बाद करने का तुम्हारा इरादा पक्का हो जाए मेरा नंबर गुमा देना। क्यों मां, कर दिया ना मेरे सवाल ने तुझे भी खामोश। तू जानती है बचपन से लेकर आज तक दुनिया वाले मुझसे यही सवाल करते आ रहे हैं और मैं भी तेरी तरह खामोश हो जाती हूं। मगर आज आज मुझे मेरे सीने में इस जलते हुए सवाल का जवाब चाहिए मां, जवाब चाहिए। आखिर वो कौन है मां जिसके नाम का सिंदूर तू अपनी मांग में भरती है, जिसके नाम का मंगलसूत्र तूने अपने गले में पहन रखा है, जिसकी जिंदगी के लिए तू हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है। कौन है वो माँ, कौन है जिसने तुझे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया? नहीं बेटी, मुझे उसने नहीं, मेरी तकदीर ने मजबूर कर दिया है। तकदीर? तकदीर के नाम पर आंसू बहाने वालों में से मैं नहीं हूं माँ। मुझे कसम है तेरे उन आंसुओं की जिसने भी तेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। अब चाहे तू मुझे उसका पता बता या ना बता, मैं उन सब का पता लगा कर ही रहूंगी। यह है दुर्गा निवास का राजा, तुम्हारा बाप रवि वर्मा। यह सिर्फ नाम का राजा है, दुर्गा निवास में इसकी एक भी नहीं चलती। और ये थी दुर्गा निवास की रानी, तुम्हारी मां उषा देवी। ये बेचारी जिंदगी भर हर तरह के दुख सहकर आंसू पीती रही, जो आप बंगारे बनकर तुम्हारी आंखों में देख रहे हैं। और ये था दुर्गा निवास का गुलाम श्याम सुंदर, जो घर जमाई था, लेकिन इसकी एंट्री होते ही इस बेचारे को दुर्गा निवास छोड़ना पड़ा। यह है छोटे बेटे किरण वर्मा की खतरनाक बीवी चंदा, जो किसी जमाने में क्लब डांसर थी। और यह है दुर्गा बाई का छोटा बेटा
किरण वर्मा, ये अपनी मां की उंगलियों के इशारे पे नाचता रहता है और तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किरण वर्मा का है। और ये है दुर्गा निवास का इक्का दुर्गा भाई, इसने तुम्हारी मां को अपनी राजनीति का एक मोहरा समझा, उससे खेला और काम होते ही इसने तुम्हारी मां को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया और इन सब को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली सिर्फ एक ही सड़क है और वो है दुर्गा निवास का ये जोकर चंदर, किरण वर्मा का साला, लड़कियों का दीवाना है ये, इसे फांस कर दुर्गा निवास में पहुंचकर उसकी ईंट से ईंट बजा सकती हो तुम। हाँ, और फिर इसके लिए जो भी मदद तुम्हें चाहिए होगी मैं दूंगा, क्योंकि दुर्गा भाई ने सिर्फ तुम्हारी मां को ही बर्बाद नहीं किया है बल्कि मुझे भी बर्बाद किया है। इस तरह हम दोनों की मंजिल एक ही है। एसके साहब, दुर्गा निवास की बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने कसम खाई है, मेरी मां पर हुए एक एक अत्याचार का बदला मैं गिन गिन कर लूंगी, गिन गिन कर। यार, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, जरा सामने तो देख। लगता है अब हमारी सुनी पार्टी में रौनक आ जाएगी। यही है वो लड़कियों का लट्टू, आज हम इसके गले में ऐसा पट्टा डालेंगे कि दुम हिलाता आएगा हमारे पीछे। चलो अजी सुनिए। अरे मैडम सुनिए तो। जी मैंने कहा सुनिए, यही कहा ना आपने? हाँ, मगर और भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं। यही कहना चाहते हो ना कि हमारे साथ चलो। हाँ? साथ में पिकनिक मनाते हैं। हाँ? ड्रिंक करते हैं। हाँ? बड़ा मजा आएगा, है ना? जी बिल्कुल, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? मुझे तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मालूम है। जी जी हाँ, और लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारे बॉयफ्रेंड्स लव स्पॉट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। जाइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है। गर्लफ्रेंड? ओ मैडम, ये लड़की नहीं लड़का है। लड़का? जी हाँ, हम सब लड़के हैं। अच्छा, लेकिन तुम में से तो कोई लड़का नजर नहीं आता। लड़कियों को पटाना है तो लड़का बनकर दिखाओ लड़का। कम ऑन गर्ल्स।
आजा। पहली मुलाकात में इतनी टेरिंग बाज लड़के को बटा लिया है? अरे लड़की कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, अपने को उसको बटाने का बाएं हाथ का काम है। अरे आज तो मैंने उसको टाइम भी दे दिया और उसकी तो मैं देखा आ गई ना। हाय मधु। हाय, कितनी देर कर दी आने में? ओ सॉरी मधु, मेरा फॉल्ट है, वो क्या है ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा मेरे दोस्तों से मिलो, ये विनोद, ये जत्ती और ये है किशोर। हाय। ओह तुम कब आई? आधे घंटे से मैं तुम्हारा देखो ना, ये लड़का कब से मुझे आंख मार रहा है। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लगता है इसकी आंख का इलाज करना ही पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। तू भी आंख मारता? तुमसे चंदर को सिर्फ बेहोश करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से और हिसाब किताब इसके हिसाब से कर लेना। ठीक है मैडम, चलो सब। छोटी मालकिन, किरण साहब बाहर आइए, देखिए चंदर साहब को क्या हो गया है। क्या हुआ? चंदर साहब बेहोश। चंदर क्या हुआ? चंदर को, चंदर क्या हुआ मेरे भाई को? बेचारे को किसी ने मार मार के बेहोश कर दिया। किसने मारा चंदर को? कौन थे वो लोग? तो यही है मेरी माँ की बर्बादी करने वाला कमीना। जी चाहता है इसे मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूं। क्या बात है किरण, चंदर को क्या हुआ? तो यही है वो दुर्गा देवी जिसने मेरी माँ को इस घर से निकालकर दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। जी चाहता है इस चुड़ैल का भी गला खोट दूं। क्या बात है मां? पिताजी, शक्ल से तो सीधे साधे लगते हैं, मगर पता नहीं इन लोगों के साथ रहकर ये भी सबकी बातों में आ गए हो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चंदा, इसे ऐसी हालत में यहां लाया कौन? ये लड़की, एसके साहब, ये जंग जज्बात की है जिसमें शरीर से भी ज्यादा चोट मुझे उनके दिलों पर देनी है। सिर्फ घर पर ही नहीं, घर में रहने वालों के दिलों में दरारें डालनी है मुझे, जिसका प्लान मेरे दिल में है। मगर तुम तो उस घर से लौट आई। साहिल से टकराकर मौज भी लौट आती है, लेकिन जब वही मौज तूफान बनकर साहिल से टकराती है तो सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। कल सुबह का सूरज तो निकलने दो एसके साहब, दुर्गा निवास में मेरे ही नाम के चर्चे होंगे। अब समझ में आया कि कल रात को वो गायब क्यों हो गई। वो चंदर को उठाकर क्या लाई कि तुम लोग उसकी तारीफ करते थकते ही नहीं। अब देख लिया ना उसका हमदर्दी से भरा कमीनापन, कितनी कीमती घड़ी मार के ले गई वो। नहीं दुर्गा जी, नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसे मेरी घड़ी मारनी होती तो वो मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ घर तक क्यों ले आती? चंदर बेटे, ये सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग, और यहाँ इंसान पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। पैसों के लिए अपना ईमान बेचे उनमें से मैं नहीं हूँ। माफ कीजिए, इस कलयुग में भी सत्यवादी लोग जीते हैं। ये रही वो घड़ी जो कल के हंगामे में जमीन पर गिर गई थी
और जल्दबाजी में मैं लौटाना भूल गई। थैंक्स। क्यों डूब गई ना आप भी सोच में? पहचान ली इसकी असलियत? असलियत जानने के लिए ही तो हम सोच में डूबे हुए हैं। हमने कहीं तुम्हें देखा है? मुझे? अरे माँ जी, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे। मैं एक अनाथ हूँ, पिछले एक साल से शहर में आई हूँ। आपका और आपके खानदान का बहुत नाम सुना है। सुना है आप गरीबों को बहुत चाहती हैं, आपके दिल में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। जिंदगी में मेरी बस एक ही तमन्ना थी, आपसे मुलाकात करने की, जो भगवान ने पूरी कर दी। अगर तुम्हारी और कोई तमन्ना होगी तो भगवान वो भी पूरी कर देगा बेटी। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी तमन्ना तो तुझे रोड पे लाने की है चुड़ैल। तूने ही आशीर्वाद दे दिया है, भगवान करे तेरी काली जबान सच हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मधु। मधु बेटी, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। एहसान का बदला तो मांगना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी में कभी कभी इंसान लाचार हो जाता है। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? हर गरीब की एक ही मजबूरी होती है, बेकारी। पिछले 7 महीने से मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। नौकरी? नौकरी में क्या परेशानी है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखने में तो बिल्कुल उषा जैसी लगती है। उषा? कुछ नहीं। मिस्टर साठे, ये जो नई टाइपिस्ट है इसे किसने रखवाया? चंदर साहब और बड़ी मालकिन ने रखवाया है, मधु नाम है उसका। अच्छी। क्या हुआ सर? तुम्हें देखकर मुझे मेरे अपने याद आ गए। अपनों की याद तो आनी चाहिए सर, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों को यूं भूल जाते हैं जैसे लोग स्लेट पर लिखकर मिटा देते हैं। सुनो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बचपन में ही, माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सरस्वती शर्मा। बधाई हो। थैंक यू। बैठिए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमें फिर से टिकट मिलेगी। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था पार्टी के पास, इसलिए बरसों के बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैडम, आपके सिवा किसी और उम्मीदवार में वो दम नहीं कि अपोजिशन पार्टी के मिस्टर नागवानी को हरा सके। बस अब तो ये इलेक्शन जीत कर आपको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करनी है, इसमें हमारी और पार्टी की भलाई है। ये सब आप लोगों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है मिस्टर शिंदे।
जब पार्टी ने हम पे विश्वास रखा है तो हम पूरी तरह से उसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन दुर्गा जी। थैंक यू मधु, लगता है तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। देखो ना, तुम्हारे कदम पड़ते ही आज हमें शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा कांटा चुभ गया। फूलों में कांटे तो होते ही है ना दुर्गा जी। तुम सच कहती हो मधु, सपनों को साकार करने के लिए कांटों पर चलना ही पड़ता है। तेरे सपने तो मैं पूरे करूंगी दुर्गा बाई। सुनो मधु, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब दूसरी चाल को भी अच्छी तरह से समझ लो। मैंने बैंक मैनेजर नायक को सब कुछ समझा दिया है, तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रवि से मिलाना। ओके ओके। क्या फिर से टिकट मिला है? मेरी बात मानो माँ, तो इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। बेटे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए ही तो ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम ब्याज से पैसे उठाओ या बैंक से लोन ले लो, कुछ भी करो, वरना ऐसा मौका दोबारा अब हाथ नहीं लगेगा। हमें लगता है वो लड़की मधु है ना, हमारे लिए बहुत लकी है। Come in. सर, अपने बैंक के मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए आइए मिस्टर नाइक, बैठिए। थैंक यू। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि साहब, आपने वो जो हमारे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन मांगा था ना, वो हमारे हेड ऑफिस ने सैंक्शन कर दिया है। ये रहे उसके पेपर्स। वेरी गुड। रवि बेटे, हमने कहा था ना कि मधु हमारे लिए बहुत लकी है। थैंक यू मिस्टर नायक, आपने तो हमारी परेशानियों का बोझ उतार दिया। माय प्लेजर। बोझ तो अभी उतरा है दुर्गा बाई, बाद में देखना, ऐसी वाट लगा दूंगी कि तू सीधे अस्पताल की खाट पकड़ लेगी। और उस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहां एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटे होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयां होंगी, नकली इंजेक्शन होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे। हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। पर क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है दिमाग खराब हो गया। और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्या हो, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम मॉडल में नहीं हो गए हो? तुम गरीब लोग साले कभी नहीं सुधरोगे। के ही काबिल हो, तुम्हारे घरों पर तो अब मैं बुलडोजर चलवा दूंगी। साली कमीनी, हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएगी, सबको मिटा कर रहूंगी।
दुर्गा जी आप और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। गुड्डी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डाल शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। गजब हो गया दुर्गा जी, फिर क्या हुआ? अंदर चलकर तो देखिए। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वही यह हादसा हुआ है। जहाँ के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है। और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाई कमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। क्या होगा दुर्गा जी, हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है। पोस्टर छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं, हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपे भी खरीद ली हैं, यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु प्लीज कीप क्वाइट, चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो, हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा भाई, मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं, लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ, दुर्गा जी हैं? छगन भाई एक मिनट, छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी। हाँ अजी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है, आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की। लगता है बुढ़ी मांगने वालों का हिसाब देख रही है। दुर्गा जी, गजब हो गया, अब क्या हुआ? वो सब कर्ज मांगने वाले जबरदस्ती ऑफिस में घुसा है
और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। अरे तुमने ये क्या किया? अच्छा उन सबसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। ठीक है। अरे वाह दुर्गा भाई वाह, रुपया लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाती हो। 3% ब्याज दूंगी, 4% ब्याज दूंगी और अब हमें टरकाने भी तुली हो। दुर्गा भाई ये छोटी छोटी हरकतें आप जैसे बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देती। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मगर छगन भाई क्या हमें थोड़े दिनों की मोहलत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन हमें किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। बड़े आदमी की? एसके एंटरप्राइजेस के मालिक एसके साहब की गारंटी चलेगी? एसके? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे उनकी गारंटी को कौन टाल सकता है। तो फिर यूं समझ लो कि कल सुबह 11 बजे तक आप सबको अपने अपने ऑफिस में एसके साहब की गारंटी मिल चुकी होगी। मंजूर? क्यों भाई मंजूर है ना? हाँ, मंजूर है। तो फिर चलो, चलो आओ चलो। बेटी ये एसके साहब कौन है और वो भला हमारी गारंटी क्यों लेंगे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आप उन्हें नहीं जानती लेकिन वो आपके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम राम। सेवक राम? तुम? जी सेवक राम, लेकिन वो सेवक राम तो एक्सीडेंट में मर गया है। अब तो मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूं। उस मौत के बाद मैंने पॉलिटिक्स को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया जैसे लोग दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। अब तो सिर्फ एक ही काम है, एक ही नाम है, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। लेकिन सेवक राम तुम इतने साल खो कहां गए थे? अपने जख्मों का इलाज करवाने विदेश चला गया था। वापस लौटा तो जिस भगवान ने उस हादसे से मुझे नई जिंदगी दी थी मैंने अपने आप उस भगवान के हवाले कर दिया। एसके साहब मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि अब दुर्गा देवी जी की इज्जत आप ही बचा सकते हैं। राम 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 राम, बचाने वाला तो वो है, किसी ने सच कहा है, चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। दुर्गा जी आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टनर का कहना है कि फॉर्मेलिटी के लिए हवेली का गिरवी खत करना जरूरी है। क्या हवेली गिरवी रखकर? नहीं नहीं मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे गलत मत समझिए दुर्गा जी। मगर ये दुर्गा जी इसके साथ सही कह रहे हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। राम 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 छगन भाई, राम राम। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका काम हो जाएगा। देखिए छगन भाई दुर्गा देवी के पैसों की गारंटी मेरी है। हाँ राम 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 राम। दुर्गा जी मैंने सबको कह दिया है अब कोई भी आपसे पैसों का तकाजा नहीं करेगा। ये लीजिए साइन कर दीजिए। सेवक राम एक बात का ख्याल रखना, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। राम 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 राम। दुर्गा जी आप बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा। बेटी ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि तुम एक गैर होते हुए भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया जो हमारे अपने भी नहीं कर सके। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रही हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। अरे बेटी इतनी रात गए तुम अकेली घर कैसे जाओगी? यहीं सो जाओ, सुबह 7 ऑफिस चले जाएंगे। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुट्टी। अब देखना
आज की रात इस दुर्गा निवास के लिए कयामत की रात होगी। सर, आपका फोन। फोन है। क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। जाने तो मुझे, जाने दो। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगी, मगर तेरी इज्जत का पोस्टर फट जाने के बाद। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? बरसों पहले ऐसा ही एक खेल इस घर की चार दीवारी में तूने खेला था, आज मैं खेल रही हूं। उस नाटक का हीरो तू था और आज इस नाटक की हीरोइन मैं हूं। क्या है ये? तुम बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रही है माँ, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे साथ वही चाल चल रही है जो कभी हमने उषा के साथ चली थी। किरण, तुम लोगों ने उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? रवि बेटे, तू कहाँ इसकी बातों में आ गया? जानता नहीं, ये नशे में कुछ भी बकता है। नशे में इंसान कुछ भी नहीं बकता, हमेशा सच बोलता है। बता, तुझे मेरी उषा के साथ कौन सी चाल चली थी, वरना मैं तुझे छोड़ दे। रवि बेटे, छोड़ दे, इस वक्त ही अपने होश हवास में नहीं है। लेकिन मैं होश में आ गया हूँ माँ, जब तक मैं पूरी सच्चाई न जान लूँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो, ये तो सिर्फ उस चाल की मोहरे हैं, मोहरे। उस खेल की असली खिलाड़ी तो तुम्हारी माँ है, दुर्गा बाई। रवि बेटे, इनकी बातों में मत आना। आज इस कलंक से अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, और फिर चंदा भी तो गंदी नाली का ही कीड़ा है ना। बस करो माँ, बस करो। खबरदार जो चंदा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो माँ और बेटे के बीच जो पवित्र रिश्ते की दीवार है वो टूट जाएगी। देखा बेटे, सच्चाई कितनी कड़वी लगती है। चंदा के लिए अपनी माँ से संबंध तोड़ने के लिए बेटा तैयार हो गया। आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से तो पराये अच्छे होते हैं। तो फिर रहो, रहो ना सारी जिंदगी परायों के साथ। लेकिन अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं जा रहा हूं मां, लेकिन एक बात याद रखना, कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही वापस आऊंगा। अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बरखुरदार, तुम्हें क्या करना है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ मेरे साथ। क्या एसके ने कर्ज देने से इनकार कर दिया? जी हाँ। एक मिनट। हेलो दुर्गा जी, ये क्या नाटक? कौन? छगन भाई? आप आधे घंटे के बाद फोन कीजिए। मधु,
ये सब क्या है? मधु, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ऐस के सब मांगने वालों को पैसे देने से इनकार क्यों कर रहा है? दुर्गा देवी, बरसों पहले तुमने हमारा मुकद्दर सड़कों पर लिख दिया था और आज मैंने तुम्हें फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कर्ज वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं उस गरीब माँ की बेटी हूँ जिसे तुमने मौत से भी बदतर जिंदगी दी। मैं तुम्हारे खानदान की बहू उषा देवी की बेटी हूँ। अपनी माँ के बहे हुए एक एक आंसुओं का हिसाब चुकाने आई थी मैं, इसलिए मुझ पे शक होने से पहले मैंने तुम्हारी आंखों पर विश्वास की इतनी सारी पट्टियां बांधी कि तुम्हें मुझ पर अंधविश्वास हो गया। तुमने मेरी माँ के अंधविश्वास पर विश्वासघात किया और मैंने तुम्हारे। जिंदगी भर गरीबी की आग में जलते जलते अंगार बन गई थी मैं। तुम्हारे घर को जलाना मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था जिसे आज मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी हवेली, ये ऑफिस, सारी जायदाद एसके के हाथों नीलाम होगी। जिस शहर में तुम अपना सर उठाकर जी रही हो ना, उसी शहर में तुम अपना सर झुकाकर मर भी नहीं सकोगी। दुर्गा देवी, तूने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने तुम्हारी। जिस घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, तूने उसी घर को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन सा घर, कैसी इज्जत? अरे जिस घर की बहू को इज्जत ना मिली हो, उस घर की अपनी इज्जत क्या होती है? माँ, मैंने वही किया है जो उन लोगों ने तेरे साथ किया था। बस अब तो मुझे कल के सूरज का इंतजार है, जब एसके उस घर को नीलाम करेगा और दुर्गा देवी का पूरा खानदान रोड पर आ जाएगा। मधु, मधु बेटी, मत कहो मुझे अपनी जबान से बेटी। मेरा अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मधु। हाँ माँ, अगर मेरा बाप था तो आज तक कहाँ था? उसने आज तक हमारी खबर क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ढूंढा हमें? अरे माँ, उसके लिए तो हम कब के मर चुके हैं और ये भी हमारे लिए। मधु, खबरदार अगर एक भी शब्द आगे निकाला तो। इसे कहने दो उषा। बेटी, तू नहीं जानती मैंने उषा को कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मोहल्ले वालों से पता चला कि घर में लगी आग में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मुझे विश्वास था कि उषा जिंदा है। बेटी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता जो तुमने किया है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन असली मुजरिम माँ नहीं, सेवकराम खुद है जिसने तुम्हें बदले की आग में भड़काया, मां को राजनीति सिखाकर सारे खानदान को तबाह कर दिया। बदला तो सेवकराम ले रहा बेटी, तुझे तो सिर्फ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जैसे हर पॉलिटिशियन करता है। सेवकराम तेरे साथ साथ हम सबको शतरंज के मोहरे बनाकर अपनी चाल चल रहा है।
सब के सब मेरी शतरंज की चाल के मोहरे बन चुके हैं। आज दुर्गाबाई और उसका सारा परिवार एक साथ उसी की जलाई हुई इस मिल में खत्म हो जाने चाहिए, समझे? एसके, तुम्हारी शतरंज की चालें अब मैं समझ चुकी हूं। आज के बाद तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। मुझे वो हवेली के सारे कागजात चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। वाह 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 वाह, मेरी ही बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, हैं? बिल्ली का दूसरा रूप शेरनी होता है, और आज तेरे सामने खड़ी है मधु, तेरे इशारों पर नाचने वाली बिल्ली नहीं, तुझे खत्म करने वाली शेरनी है। शेरनी, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, तोड़ो ये। अच्छा, मुझे खत्म करना चाहती है? हाँ, पकड़ो इन दोनों को। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मिस्टर रवि वर्मा, तुम्हें अपनी बेटी का प्यार यहां तक खींच लाया। अब मेरे आदमियों को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे जावे कमीने, हमारे खानदान को बर्बाद करने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचेगा तो तुम्हारा पूरा खानदान भी नहीं मिस्टर रवि वर्मा, तुम्हारी मां ने मुझ जैसे काले नाक को छेड़ा है, अब तुम उसका अंजाम देखना। हाँ जी। वो देखो तुम्हारा आधा खानदान तो यहां पहुंच चुका है, अब सब के सब यही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद दुर्गा निवास और सारी जायदाद का मालिक सिर्फ मैं रहूंगा, मैं। एक और वारस आता ही होगा, दुर्गा निवास का इकलौता वारस बनने का ख्वाब अपने सीने में दबाए वो भी तुम लोगों के साथ खत्म हो जाएगा। ये लो, छोटे साहबजादे भी तशरीफ ले आए, यानी कि तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान यहां जमा हो गया है। डाल दो, सभी को गाड़ी में डाल दो। शकुरा, लगा दो कार में बम। इस सपोर्ट को भी साथ में डाल दो। खबरदार, वरना गोली मार दूंगा। हेलो, अच्छा कहाँ? उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। Ha 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 ha!
शकुरा शाबाश। लगता है ऊपर वाले ने इन सब की मौत की लकीरें मेरे हाथों में लिखी हैं। होना ही था माँ, होना ही था। मुझे माफ कर दे भैया, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। भाभी, गंगा जल की तरह पवित्र थी, पवित्र है। किरण, बहुत दुख दिया मैंने आपको, बहुत। Hey!